हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कर्नाटक का एक लोक नृत्य है सुग्गी नृत्य। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य। यक्षगान, यक्षगान भी कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। बोलाक, सुक्की, कुनिता, ये सब हो जाएंगे कर्नाटक के। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे पिंडवानी, पंथी नृत्य, राउत नृत्य और सिक्किम। सिक्किम में हो जाएगा सुफाट, याकचांग, ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल्स हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भरतनाट्यम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध था भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। भरतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तमिलनाडु का। इसी के साथ देखते हैं कथकली, कथकली हो जाएगा केरल का और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का, ओडिसी हो जाएगा ओडिशा राज्य का। अब देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक पद्म सुब्रमण्यम, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2024 में, इनका संबंध भी हो जाएगा भरतनाट्यम से। वैजयंती माला और यामिनी कृष्णमूर्ति, उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। और सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से हैं। टी बाला सरस्वती, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1977 में। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कथकली से संबंध किन किन का है। कथकली में हो जाएंगे कृष्ण नायर, मृणाली साराबाई और कृष्णकुटी गोपीनाथ। अब देखते हैं ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य में हो जाएंगे गुरु पंकज चरण दास, कालीचरण पटनायक, गुरु केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह। अब देखते हैं मणिपुरी, मणिपुर में हो जाएगी झावेरी बहन, जो कि दृष्णा, नयना, स्वर्णा और रंजना नाम है। ये चारों नाम भी हमें ध्यान में रखना है और गुरु बिपिन सिंह। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 और 56 के बीच में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो कौन सी नदी के दक्षिण में स्थित हैं? कृष्णा, गंगा, नर्मदा, तापी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। फिर ये पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में बह जाती है। अब देखते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। अब देखते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में मुलतई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है और 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? आलू, खीरा, दूध, नींबू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नींबू। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होना ही बैटरी में ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 15। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 16 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को में शामिल कर लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जवाहर रोजगार योजना में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल, जनवरी, नवंबर, अगस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अप्रैल। बैसाखी कृषि उत्सव अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला उच्च न्यायालय सन में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में स्थापित किया गया था भारत में पहला उच्च न्यायालय। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लियोनेल मेसी का किस खेल में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? लियोनेल मेसी का किस खेल से संबंध हो जाएगा? फुटबॉल से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मुबारक खान, खुसरो खान, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य होते हैं। फर्स्ट दे रखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकेंड दे रखा है राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 तक भारत में की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला एक संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 3 लाख। अगला प्रश्न है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बराक ओबामा की आत्मकथा है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती में, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टुंड्रा वन में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, केंद्रक में। अगला प्रश्न है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए
किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अकाली आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ $374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फिलीपींस के साथ। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दमन और दीव का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनी किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। ये थे सभी वो प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।